कौन है इस दुनिया में जो खुश नहीं रहना चाहता, और इस खुशी की इंडेक्स में भारत का स्थान विश्व में 126वां है। लेकिन मेन इंटरेस्टिंग बात, भारत में सबसे हैप्पीएस्ट सबसे खुशहाल राज्य मिजोरम है। वही मिजोरम जो कभी भारत से ही लड़ रहा था। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा, जो एक समय कट्टर अलगाववादी थे, भारत से नफरत करते थे, लेकिन आज वे मिजोरम को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। आखिर ये बदलाव आया कैसे? कैसे मिजोरम जो एक आजाद देश बनना चाहता था, आज भारत का सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट है। आइए जानते हैं मिजोरम के पूरे सफर की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। वे लाल वाला, हाँ वही, दबा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आजादी से। आजादी के बाद मिजोरम असम का ही पार्ट था। यहाँ पहाड़ी जंगली क्षेत्र में बांस खूब होते हैं। आजादी से लेकर 1959 तक तो ठीक चल रहा था। 1959 में यहाँ अकाल पड़ता है, क्योंकि बांस के जंगलों में फूल खिलते हैं, और इन फूलों के खिलने से चूहों की आबादी जबरदस्त बढ़ गई। बात समझ में आई? बांस के फूल आने से चूहों की संख्या कैसे बढ़ गई? ऐसी मान्यता है कि बांस में 40-50 साल में एक बार फूल आते हैं, जिसे साइंस वैसे कुछ साबित नहीं कर पाया है। जब ये फूल आते हैं तो इन्हें खाने के लिए चूहे बहुत आते हैं, और यही चूहे फसलों को खा जाते हैं, घर में रखे अनाज का सफाया कर देते हैं, जिससे अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। ये इनकी भाषा में मौतम कहलाता है, जिसे आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। मिजोरम के लोगों ने जब ये फूल देखे तो सरकार से 1.5 लाख रुपए की मदद मांगी। उस जमाने में 1.5 लाख रुपए खूब होते थे। हमारे नेताओं को तो आप जानते ही है, इसे अंधविश्वास बता दिया। फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मिजोरम के लोग दाने दाने को तरस गए। सरकार ने मदद के नाम पर योजना निकाली, एक चूहा पकड़ो बदले में 40 पैसे पाओ। इस अकाल में मिजो लोगों की मदद के लिए वहाँ के लोकल लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया, मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट, जो आगे चलकर मिजो नेशनल फ्रंट MNF पार्टी बनी। अभी मुख्यमंत्री जो है जोरमथंगा, वो इसी पार्टी से है। MNF का उस समय नेता था लालडेंगा, जो आजादी से पहले ब्रिटिश आर्मी में था और आजादी के बाद अकाउंटेंट का काम करने लगा। ये भाई अकाल को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। धीरे धीरे MNF विद्रोही बनने लगा। इसे पूर्वी पाकिस्तान, मतलब आज के बांग्लादेश से पैसे और हथियार मिलने लगे, और पाकिस्तान तो हमेशा से ही चाहता है कि भारत के टुकड़े हो। लालडेंगा ने सैकड़ों युवाओं को ट्रेंड किया। उसने युवाओं को आधुनिक हथियारों के संचालन में दक्ष बना दिया। 1966 में लालडेंगा 1000 से भी ज्यादा लड़ाकों के साथ ऑपरेशन जेरिको चलाता है। BSF और असम राइफल्स के कैंपों पर हमले किए गए। सड़कें, टेलीकॉम, इन सबको सबसे ज्यादा तहस नहस किया गया, ताकि भारत की मिजोरम से कोई कनेक्टिविटी ना हो पाए। ये यहाँ तक ही नहीं रुके, इन लोगों ने तो मिजोरम के अलग देश की घोषणा ही कर दी। भारत के झंडे को हटाकर MNF का झंडा लगा दिया। इसी समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। आयरन लेडी थी वो। आयरन लेडी ने विद्रोह दबा दिया। इवन लालडेंगा को देश छोड़कर भागना पड़ा। पहले वे पाकिस्तान, फिर लंदन भाग गया। 1972 में सरकार ने मिजोरम को UT यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। वे लालडेंगा जो देश छोड़कर भागा था, उसकी गतिविधियां तो चालू थी ही, वे वापस भारत आया 15 साल बाद। भारत आने के बाद इंदिरा गांधी से उसकी मीटिंग होनी थी, लेकिन उसी दिन इंदिरा गांधी के अंगरक्षक उनकी हत्या कर देते हैं। मामला जमा नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी के साथ 1986 में एक समझौता होता है। इस समझौते के अनुसार MNF ने समर्पण कर दिया। बदले में सरकार ने उसके नेताओं को आम माफी दे दी और वादा किया कि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लालडेंगा इस नए राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और वादे के मुताबिक लालडेंगा मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय ये जो अभी मुख्यमंत्री जोरमथंगा, तब MNF में लालडेंगा के बाद नंबर 2 पर हुआ करते थे। 1987 के बाद तो मिजोरम के लोगों की जैसे किस्मत ही बदल गई। जितनी मिजोरम के लोगों ने प्रोग्रेस की है, उतनी शायद ही किसी दूसरे स्टेट ने की हो। गुड़गांव के इंस्टीट्यूट के द्वारा एक सर्वे किया गया, जिसके अकॉर्डिंग मिजोरम देश का सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट है। इस इंडेक्स में मेनली 6 पैरामीटर्स को ध्यान में रखा गया। इस बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में लिंक दिया हुआ है। अब बात करते हैं मिजोरम कैसे सबसे खुशहाल है। मिजोरम की 100% लिटरेसी रेट है। यहाँ के स्टूडेंट्स के पास स्किल डेवलपमेंट की खूब सारी अपॉर्चुनिटीज है। स्टूडेंट टीचर बॉन्ड बढ़िया है, अंडरस्टैंडिंग है। हमारे टीचर तो पीटी में बहुत माहिर थे।
मिजोरम के लोगों पर सोशल और फैमिली प्रेशर एज कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स बहुत लो है। पता है भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कास्ट। यहाँ की सोसाइटी कास्टलेस है, जेंडर इक्विलिटी है, लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं है। अभी मिजोरम के मुख्यमंत्री एमएनए पार्टी से जोरम थंगा 80 साल की उम्र में भी मिजोरम को पूरब का स्विट्जरलैंड बनाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। एक बात बताऊं आपको, मिजोरम के लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, उनके लिए एक लाइक तो बनता है यार। और हाँ, कुछ अद्भुत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।